आज ज़रा बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है रिस्क लेना। ज़िंदगी में हर चीज़ एक रिस्क है। आपको पता है, सुबह उठ के अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, दैट्स अ रिस्क एज वेल। कई लोग अपनी लेज़ीनेस को कवर करते हुए, अपनी काहली को कवर करते हुए कहते हैं कि मुझे ये रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे बाहर निकलना ही नहीं है, मुझे एक ठंडे कमरे में पर्दे डाल के, लाइटें ऑफ करके सिर्फ सोते रहना बहुत पसंद है। लेकिन देखिए, ये जो डर है या कोई भी चीज़ का जो आपको कहना चाहिए कि हर्डल्स आपके सामने हैं, चाहे वो आपके पर्सनल हर्डल्स हों, आप में एनर्जी ना फील हो रही हो, या आपको ये खौफ हो कि यार लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों को पार करके ही आप आगे जाते हैं। और जब आप नॉर्म से थोड़ा हट कर कुछ करेंगे तो यकीनन उसमें रिस्क होता है, उसमें चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं। रिस्क को अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करूं तो इसका मतलब है रिस्क ऑफ फेलियर, रिस्क ऑफ थिंग्स नॉट गोइंग द वे यू वांट। यानी आपका एक अंदेशा हमेशा मौजूद होता है कि जिस चीज़ को सोच कर आप आगे बढ़ रहे हैं कि यार मैं ऐसा करूँगा तो ये नतीजा निकलेगा, ये अगर मेरी एफ़र्ट होगी तो इसका मुझे ये समर मिलेगा, ये फल मिलेगा, इसमें बहुत मुमकिन है कि चीज़ें उस तरह ना हों। यानी आपने बिज़नेस के लिए आइडिया जमा किया है, उसके लिए वसाइल जमा किए हैं, कर्ज़ा लिया है किसी से, अपनी जमा पूंजी उसमें लगाई है, बहुत मुमकिन है कि वो वैसा परफॉर्म ना करे जैसा आपने सोचा था। इसी तरह आपने कोई ताल्लुक जोड़ा है, कोई नया काम शुरू किया है, हर चीज़ में आपको एक रिस्क फैक्टर नज़र आएगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है, देर इज़ ऑलवेज अ चांस कि चीज़ें आपके मुताबिक ना चलें। लेकिन ये वो इसको कहना चाहिए कि कोई जुआ है, ये वो एक बाजी है जो आप ज़रूर ले लेते हैं। आप कहते हैं कि यार देखी जाएगी, कुछ ना कुछ तो इससे बेहतर होगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कई दफ़ा हम जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, जिन मुश्किलात को अवॉइड करना चाहते हैं, दरअसल वो आपको आपकी मंजिल से ज़्यादा करीब, ज़्यादा जल्दी पहुँचा देती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था और कल ही मैंने इस थ्योरी के बारे में सुना। अब आप इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि लोगों ने कहा कि अगर मेरा घर से मेरा ऑफिस जितना दूर है, अगर ये 1 किलोमीटर से कम है तो मैं पैदल जाऊँगा, और अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो मैं साइकिल पर जाऊँगा। लेकिन साइंस आपको ये बताती है, या आप उसकी कैलकुलेशन इस तरह करें कि अगर मिसाल के तौर पे आपका ऑफिस 2 किलोमीटर दूर है, तो जब आप फैसला करते हैं कि मैं साइकिल से जाऊँगा, तो वो साइकिल आपको 2 किलोमीटर आपके पैदल चलने वाले 1 किलोमीटर से ज़्यादा जल्दी कवर कर देगी। तो यानी दूर होना या मुसाफत का ज़्यादा होना, वहाँ पर आपका जो आपने अपने लिए क्राइटेरिया सेट किया ना डिसीजन का, उससे आपको ज़्यादा जल्दी आपकी मंजिल तक पहुँचा देता है। आई होप दैट आई हैव बिन able to carry the essence out for you, कि कभी कभार जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि यार ये तो हमारे लिए चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दरअसल वो आपको आपकी मंजिल से, आपके दिल पसंद जो डिज़ायर्ड आउटकम है, उससे ज़्यादा करीब कर लेती है। लेकिन फिर भी रिस्क लेने से पहले क्या सोचना चाहिए? रिस्क के बगैर कोई प्रोग्रेस है नहीं असल में। अगर आप चाहें कि आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, इज़्ज़त, शोहरत, सक्सेस, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको लोगों की तनकीद, लोगों के रवैयों, इन सब का रिस्क तो उठाना पड़ेगा। और हो सकता है इससे बड़ा भी रिस्क हो, आपको हो सकता है पैसे खोने का डर हो, अपनी साख ख़राब हो जाने का डर हो, लेकिन आप वो रिस्क लेते हैं। पॉजिटिव रिस्क भी होते हैं, नेगेटिव रिस्क भी होते हैं। जो इंसान बड़ी कोई फजूल हरकत करने वाला होता है ना, कि ऐसे एक एडवेंचर की तरफ जा रहा है या किसी गैर अखलाकी चीज़ की तरफ जा रहा है, वो भी एक रिस्क ले रहा होता है। मिसाल के तौर पे अफेयर चलाना, किसी पे चीट करना, वो भी एक रिस्क है कि लोगों को पता चल जाएगा। तो अच्छा रिस्क और बुरा रिस्क, इसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन आज के ज़रा मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, हमारे साथ मौजूद हैं माई वेरी डियर फ्रेंड ज़ैनब अंसारी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल चाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट वी गोना एक्चुअली व्हाट इज द रिस्क दैट यू हैव रिसेंटली टेकन। कोई एक ऐसा रिस्क बताओ जो तुमने हाल ही में लिया हो। मैंने अभी एक थिंक टैंक खोला है, एंड जिंदगी में पहली दफ़ा मैंने इस तरह का एक कदम लिया है, और इसके अंदर अपने काफ़ी लिमिटिंग बिलीव्स को हटा के, काफ़ी जो बड़े पोजीशन में जितने सीईओज हैं, प्रेसिडेंट्स, उनको जमा करके मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में मैं करूंगी। तो ये तो तुम्हारी एम्बिशन हो गई ना, इसमें रिस्क क्या है? इसमें यानी ये अगर खराब हो जाए तो इससे तुम्हें क्या नुकसान होगा? आई गेस रेपुटेशनल रिस्क भी होती है एक। हाँ। जो आपको साइकोलॉजिकली जो आपको पीछे रखता है, ज्यादातर हमारे यहाँ लोग क्या कहेंगे, एक जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दिस होल्ड्स अस बैक अ लॉट, तो वो एक लिमिटिंग बिलीव थी जिससे आगे बढ़ना पड़ता। इसमें भी काफी रिस्क मिटिगेशन करनी जरूरी थी, ठीक है, बट उस पर हम पैसे लगाए हैं इसके ऊपर लगाए हैं, और वो भी एक रिस्क है कि डूब भी सकते। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है आज़ाद चाय वाला, मल्टी मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर हैं, सीरियल बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, और आजकल मैं इनके कई जगह पोस्टर्स लगे देख रही हूँ। तो लेट्स फाइंड आउट कि इन्होंने रिसेंटली कौन सा रिस्क लिया है। अस्सलाम वालेकुम आजाद। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सो व्हाट्स द ग्रेटेस्ट रिस्क अदर देन द फैक्ट कि आप मेरे शो में शॉर्ट्स पहन के आए हैं?
ये भी आपने रिस्क ही लिया है। हो सकता है हम आपको कहते कि नहीं भाई हम तो नहीं बिठा रहे ऐसे। कोई नहीं, मेरे में इतना हौसला है दैट आई कुड एक्चुअली से टू यू दैट इट वुड मेक अ डिफरेंस। अच्छा, ठीक है, कैमरा आप ऊपर कर लें, आई वुड हैव प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन। अच्छा, या चादर ले आए कुछ कर लें। जो मैंने हालिया में ली है वुड बी चाइकॉन, बट इट पेड ऑफ। ओके, और उसमें भी अगेन जो सिस्टर ने बोली है साइकोलॉजिकल हिट बैक होती है भाई, अगर आवाम तैयार ना होती कारोबार करने के लिए, मेरी रेपुटेशन और फिर नेगेटिव कमेंट्स। और नेगेटिव कमेंट्स पर्सनली मुझे नहीं कुछ कहते, आई एम नॉट दैट वीक, लेकिन जो मेरा ऑडियंस है ना वो इन्फ्लुएंस होता, और आई वुड हैव लिटरली बीन पुश्ड बैक सेवरल इयर्स। अच्छा आजाद, व्हाट आई गैदर एंड आई कुड बी रॉन्ग, यू हैव एन अमेरिकन एक्सेंट, हैव यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड पाकिस्तान? मैं वहाँ गई हूँ, यस, मैं यूके से आई। तो आप जब यूके या अमेरिका से आप वापस मूव किए, इसकी वजह क्या थी, ये रिस्क क्यों लिया? ये बिकॉज सिस्टर मैंने दुनिया कमा ली थी, मुझे आखिरत कमानी थी, एंड उसके लिए बेहतरीन जगह पाकिस्तान है। हाँ नहीं, लकली देखे ना, मैं ब्रिटिश मोरक्कन हो सकता था, मैं ब्रिटिश अल्जीरियन, मैं ब्रिटिश कतरी हो सकता था, उनकी पॉपुलेशन 6-6 लाख है, 3-3 4-4 मिलियन है, अल्लाह ने मुझे बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनाया। हाँ डेफिनेटली, तो यहाँ के बड़ी कम्युनिटी है, बड़े मसले हैं, एंड सो आई वाज, मैं तो समझ रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व देम, और फिर अल्लाह ने अगर कबूल कर ली ये काविश तो जन्नत कमाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला आपका इरादा ये है कि जो आपने बिजनेस सेटअप किया है, यू वांट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, राहत फॉर अदर्स, इज दैट द कॉन्सेप्ट? यस। ठीक है, एंड हाउ डज इट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर इनिशिएटिव्स जो आपने खुद किए होंगे या दूसरे लोग कर रहे हैं? फलसफे का फर्क है, जितने भी मैंने चीजें की हैं, टू बी ऑनेस्ट दे हैव ऑलवेज बीन न्यू, दे हैव ऑलवेज बीन आउट ऑफ द बॉक्स, दे हैव ऑलवेज बीन चीजें जो पहले किसी ने नहीं की। जस्ट कोइंसिडेंटली, मैं शोखी नहीं मारा, इट्स जस्ट एक जमाने में मैंने SMS कंपनी खोली, उस वक्त फोन ही नहीं होते थे लोगों के पास, मैंने फ्री SMS देना शुरू कर दिए, कंसीडर इट अ फ्री टेलको। मैंने फ्री गेमिंग का लॉन्च किया, अब हर बंदा मोबाइल पे गेम खेलता है, वो सिस्टम मैंने लॉन्च किया था। क्या कहते हैं, अपना दूसरी शादियां मैं करवाता हूँ, पहले था ही नहीं कॉन्सेप्ट दूसरी शादियों का, कॉन्सेप्ट तो खैर बहुत पुराना है। नहीं, बट वो डिजिटली नहीं अवेलेबल था। अच्छा, ठीक है, तो डिजिटल मैच मेकिंग फॉर पॉलिगैमस मैरिजेस। तो तीसरा अभी जो हालिया पंगा लिया, दोबारा बताइएगा कौन सी मैरिजेस? पॉलिगैमस मैरिजेस। ओके, दूसरी तीसरी चौथी, एंड क्या कहते हैं, और इसमें माशाल्लाह पाकिस्तानियों की तो बड़ी तादाद ने साइन अप किया होगा। अब वो जब आप लोग उसको पुश करते हैं तो फिर आ जाती है वहां, एंड पाकिस्तानी सबसे ज्यादा तंग करते हैं। हाँ, तो अच्छा, इस पे कोई कंसेंट फॉर्म बीवी की तरफ से होना जरूरी है, ये खुद ही अपना अकाउंट बना के आप यानी जरूरत है रिश्ता ढूंढते रहते हैं? अब बिटवीन जो हथने आती हैं, इसमें इससे ज्यादा रिस्क तो नहीं हो सकता, इसको छेड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे चाइकॉन के लिए आया हूँ, और जो अभी फॉर द पास्ट 8 years जो मैं पाकिस्तान को पुश कर रहा हूँ, इस बेसिकली कि भाई कारोबार की बत्ती के पीछे लग जाओ, तालीम की बत्ती के पीछे लग जाओ। हमारे यहाँ समझ बैठती है आवाम के यूनिवर्सिटी कॉलेज तालीम है, तालीम नहीं है, रट्टा है, तो इट डजंट प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर अस। तो जो बिजनेस, आई विल से दैट विद अ लॉट ऑफ कॉशन, देखिए हमारे मुल्क में 2-2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र का है वो स्कूल नहीं जाता, इसलिए सिर्फ हम, मैं यहाँ पे, ये बिल्कुल बात सही है, उसमें काफ़ी वजन भी है कि आपको फिर उस तालीम को, उस अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है, लेकिन हम उसको बिल्कुल फजूल कह के उस पर काटा नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेमत है जी, हमें तो हमारा दीन भी कहता है कि तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए आपको चीन तक जाना पड़े। तो अहम ये है कि आप पढ़ाई करें और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करने के भी तरीके सीखे। अच्छा जी, मैं प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी अक्सा दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, HR कंसल्टेंट और ट्रेनर हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा आपकी मौजूदगी का। अक्सा, नौकरी के अंदर एक तो बहुत बड़ा रिस्क है ना, इंसान अपना बिजनेस शुरू करे, लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उसमें आपको क्या क्या रिस्क लेने पड़ते हैं, और आज के वर्क एनवायरमेंट में लोगों की क्या आपसे रिक्वायरमेंट है, लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें रिस्क फैक्टर आ जाता है कि आप जहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं वहाँ का कल्चर किस तरह का है, वहाँ की जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो किस तरह की है, क्योंकि मुझे लगता है ये भी एक तरह का जुआ ही होता है। अगर तो लग गया बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी उसी रिस्क पे डिपेंड करती है, और समटाइम्स वो अच्छा भी हो जाता है, और समटाइम्स आपके एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे भी होते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस चूंकि ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ रहा है, तो स्टार्टअप्स में अगर वो रिस्क लेते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो मल्टीपल टाइम्स फेलियर भी होता है,
और मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा है कि इस कदर उनको मतलब सक्सेस मिलता है कि मतलब दैट इज़ बियॉन्ड एक्सेप्शन. तो मेरा ख्याल है कि टोटली डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है. हाँ. या आपकी जो है वो नियत किस तरह की है, तो उसी हिसाब से आपको रिस्क फैक्टर्स मिलते रहते हैं. अच्छा बढ़िया, आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की है ज़ैनब, यू ऑल्सो ट्रेन विद ऑर्गेनाइजेशंस. मुझे बताओ कि कई इदारों में आपकी डिमांड तो होती है कि यू नो जो आपकी टीम है, जो आपके फॉर एग्जाम्पल मार्केटियर्स हैं, सेल्स के लोग हैं, वो बड़े टारगेट्स को अचीव करें, लेकिन अगर उनको टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो आपको कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं कि यार वही तरीक़ेकार ना करें, मार्केट तक अगर हमने रीच करना है तो सिर्फ हम अखबार में इश्तहार ना दें, मिसाल के तौर पर हम सोशल मीडिया पर बड़ी अच्छी इंगेजमेंट करें, लोगों को अपनी तरफ पुल करें, लेकिन जो इदारा होता है या जो भी सेठ है, जो ओनर है, जो मालकान है, वो इस बात को तो अलाउ कर नहीं रहे होते, वो कुछ नया करने का रिस्क लेना नहीं चाहते, लेकिन रिजल्ट्स लोगों से चाहते हैं. ये एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ नहीं होती टीम के लिए? होती है. और अभी आजकल के दुनिया में आपको इनोवेशन की ज़रूरत है आगे बढ़ने. हाँ, की हाँ. अभी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, डाइवर्सिटी इक्विटी और इंक्लूजन. इसको क्यों ड्राइव किया जा रहा है कंपनीज़ के अंदर, ताकि इनोवेशन बढ़ाए. सो अब कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर दे आर ओपनिंग अप टू द आइडिया कि इनोवेट करने के लिए कुछ नए आइडियाज़ लेकर आने पड़ेंगे, कुछ नए रिस्क लेने पड़ेंगे. तो अभी काफ़ी एक रिस्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनना शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर. ये बहुत एक अच्छी चीज है टू नो. अच्छा, यानी रिस्क के साथ साथ देखो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ फेलियर एंड मिस्टेक. यानी वही रिस्क है ना सबसे बड़े, कि या तो आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी. तो क्या आपने देखा है कि हमारी जो लोकली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर अगर आपका कोई लिया हुआ इनोवेटिव आइडिया फ्लॉप हो जाए तो उसकी पनिशमेंट मिलती है, नौकरी से निकाल देते हैं अभी, या उनकी एपेटाइट बड़ी है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, इस प्रोसेस से हमने कुछ सीखा है, लेट्स नॉट मेक दैट मिस्टेक एंड लेट्स ट्राई टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड. ये लीडरशिप पर डिपेंडेंट है. कुछ लीडरशिप, आप काफ़ी सरप्राइज होंगे कि सेठ कंपनीज में भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत विजनरी हैं. सही. ओके. और वो अपने एम्प्लॉयज़ को फिर उसी तरीके से ट्रेन करते हैं, और वो विजनरी लीडर्स को समझ में आती है कि फेलियर सिर्फ सक्सेस की तरफ एक कदम आप बढ़ा रहे हैं, तो फेलियर होता ही होता है, वो एक हिस्सा है इस जर्नी का, यू नो. और आप उसको एक एज अ फेलियर ना लें कि कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, ये एक लर्निंग जिसे आपने कहा है. यस बिल्कुल, इट्स जस्ट अ प्रोसेस. बिल्कुल सही. अच्छा, आपकी तरफ आना चाहूँगी आज़ाद, मुझे बताएं कि इतने सारे आपने माशाल्लाह इनिशिएटिव्स और आइडियाज़ को लॉन्च किया है, और अभी तक की आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि वो सारे ही कामयाब हुए, कुछ फेलियर्स भी तो हुए होंगे, उसमें क्या क्या रिस्क था और इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हैं? सिस्टर, हम ऑनेस्टली फेलियर्स माइनर ही होते हैं, क्योंकि जैसे मुझे पता चलता है चीज़ फेल हो रही है, मैं उसे यानी काबू में ला के अगले कदम यानी ले लेता हूँ. तो जो आपने कहा, मेरे लिए तो सबक ही होता है, मेरे लिए तो लर्निंग ही होती है, मुझे तो एक फटाफट मिल जाती है डिसीजन. लेकिन शेयर करें ना हमसे, मिसाल के तौर पे कोई आपने प्लान बनाया हो और वो आपके मुताबिक नहीं चला हो या उसमें आप फेल हो गए हो, तो क्या क्या है इस तरह की एग्जाम्पल? अच्छा, मेरे ना पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं एंड दे आर नॉट फुल एट कैपेसिटी, प्रॉब्ली ब्रेक इवन पे भी नहीं आते, ऑफ्टन आई हैव टू टॉप देम अप. वहाँ पे नोशन ये था कि मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी को 6 महीने मैक्सिमम होना चाहिए, ए लेवल की या एफ ए की जरूरत नहीं होनी चाहिए दरमियान में. तो मेरे बच्चे आते हैं 2-3 महीने वहाँ पे कुछ सीखते हैं, फिर बाजार में उतर जाते हैं, और बाजार में उतरने के काबल बन जाते हैं, उनको थोड़ी सी तालीम दी जाती है, स्किल दिया जाता है, एंड दैट्स व्हाट आई डू. बट आई फील लाइक कि जो आवाम है ना, पेरेंट्स, वो रेडी नहीं है, उनको आज भी डिग्री चाहिए. तो वो फेलियर मैं अभी उसको मैंने फुली राइट ऑफ नहीं किया, आई एम जस्ट गोइंग टू इनोवेट इट. मैं भी डिग्री दे दूंगा 4 महीनों में, मुझे भी अब गवर्नमेंट ने कबूल कर लिया कि मेरी 2 महीने वाली गवर्नमेंट जॉब. 4 महीने में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डिग्री नहीं दे सकते? नहीं सिस्टर, दुनिया बहुत आगे चली गई है, मैं यूके से ला रहा हूँ ये डिग्री. तो यूके की वो डिग्री नहीं होगी. मैं देखें, जितना हम समझते हैं इन चीज़ों को, 4 महीने में आप 3 साल की या 4 साल की डिग्री नहीं कर सकते. आप यकीनन जो चीज़ ला रहे हैं वो सनद याफ्ता कोई सर्टिफिकेट हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है. तो एक तो इस तरह का भ्रम क्रिएट नहीं करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी अ सर्टिफिकेशन, मस्ट बी अप्लाइड. उसको आप डिग्री का नाम दे दें, भाई मैं अपना नाम डिग्री रख सकती हूँ इस तरह. नहीं, लेकिन ये यूके की है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नामी ग्रामी है, उनकी डिग्री है 3 महीने की होगी, एंड अपना यस चौथा साल जो आके ना जो है ना आपको यूके में जाके कंप्लीट करना पड़ेगा. सो यू हैव दोस 4 मंथ्स एंड 1 ईयर वहाँ पे, फिर वो जाके कंप्लीट होगी. और उस पे भी वही, आपको पहला पार्ट जब आप 4 महीने का कवर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री के लिए आपको वो 1 साल बाहर करना पड़ेगा. अच्छा जी, जिस तरह हमने कहा कि ज़िंदगी में हर चीज़ एक रिस्क है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, आपका कारोबार हो, आपका कोई भी फैसला हो,
और इंसान को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्सर अगर मैं बिटवीन जॉब्स की बात करूं, किसी ने एक जॉब को छोड़ा और दूसरे जॉब में जब स्विच किया या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जब स्विच किया तो एक ख्वाब देखा ग्रोथ का, आगे बढ़ने का। अगर तो वो चीज़ नहीं चल पाती और सडनली यू नो थिंग्स डोंट गो द वे यू हैव प्लान्ड देम टू बी, तो उसका एक झटका लगता है, उसका एक डिप्रेशन होता है, एक ग्रीफ होता है। एज एन एचआर स्पेशलिस्ट, हाउ डू यू टेल पीपल टू प्रोसेस दैट? बहुत आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और समटाइम्स लोग इसी चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको कंसर्न्स होते हैं इसी चीज़ की वजह से कि वो एक बुरे एक्सपीरियंस से निकल कर आए हैं और फर्दर आगे उसमें के जाके भी यही सब हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें अपनी सेल्फ काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है कि दो बैक टू बैक ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह हुआ। स्टार्टअप से कल्चर ऑलमोस्ट सेम था और रिस्क लेना पड़ा। ठीक है, आइडिया नहीं था ड्यूरिंग इंटरव्यू के कंपनी किस तरह की हो सकती है। तो मेरा ख्याल है ये इंसान खुद के खुद काउंसिल कर सकता है कि हमें सर्कमस्टांसेस से या उन चैलेंजेस से हम लोग किस तरह मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम इस चीज़ को असेस नहीं कर सकते कि अगली ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, उनका कल्चर किस तरह का है, क्योंकि उस टाइम पर तो उन्होंने पॉजिटिविटी ही दिखानी है, उन्होंने अच्छी बातें ही करनी है। तो मेरा ख्याल है ज़ैनब ने भी अभी जो बात की कि ये सारा रोल लीडरशिप का होता है कि उनके माइंड में क्या विजन है, उनके माइंड में क्या ऐसा अप्रोच है कि हमने अपनी टीम को लेके चलना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एट द एंड एम्प्लॉयज़ का जो मेन मकसद है, एक 8 to 9 hours आपने स्पेंड करने हैं किसी कंपनी में, तो वो आपके लिए बड़े पीसफुल होने चाहिए, ना कि आपको वो फर्दर डिप्रेस कर दें। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बड़े बिजनेस आइडियाज़ या किसी इनिशिएटिव के लिए यकीनन आपको सरमाए की ज़रूरत होती है। एवरीबडी नोज ज़ैनब के पाकिस्तान में ये सिर्फ सरमाएकारी है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। और मैंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि जो हमारे यहाँ जद्दी पुश्ती रईस लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाए हुए लोग हैं, उनके यहाँ फैमिलीज़ में एक अजीब सा इख्तलाफ चल रहा है। यानी जिन साहब ने वो पैसे कमाए हैं, जैसे अगर वो दादा की पोजीशन में है, उनकी दो पीढ़ियाँ और मज़ीद उस बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, कई दफ़ा इनोवेशन को, रिस्क टेकिंग को वो डिस्करेज कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग अ ग्रास्प ऑफ कि दुनिया कैसे बदल चुकी है या कोई नया आइडिया अगर आए। मिसाल के तौर पे ट्राई टॉकिंग टू समबडी हु 70+ अबाउट सस्टेनेबिलिटी, अबाउट डिवर्सिटी, तो एक आपको मेंटल ब्लॉक नज़र आएगा और ऐसा शख्स कभी भी ऐसे किसी आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो फिर ये जो फ्रस्ट्रेशन है यंगर जनरेशन की कि यार मेरे आइडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसको आप क्या समझती हैं कि कैसे एड्रेस किया जा सकता है? वेल, यंगर जनरेशन मैंने कई सारी बड़े ख़ानदानों में अभी रिसेंटली देखा है कि उनकी यंगर जनरेशन ने दे ब्रोक ऑफ, उन्होंने अपने इदारे खोले हैं, उन्होंने अपने तरीक़ेकार चलाए। और एंटरप्रेन्योरशिप की खूबसूरती यही होती है कि आप यू कैन ब्रेक ऑफ और आप ये अपने कदम बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और यह बिल्कुल सही बात करिए, मसला क्या होता है, अभी एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक आती है, हमें पता है कि इसका रिज़ल्ट इस तरीके से आ रहा है और हमें पता है ये रिज़ल्ट काफ़ी सालों से आ रहे हैं, तो हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करते कि खुदा ना खास्ता ये ख़राब ना हो जाए, ये प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए। तो इस अगेन कम्स डाउन, बॉयल्स डाउन टू फियर, यू नो। और अनफॉर्चुनेटली ये एक सच है कि पाकिस्तान एक फियर बेस्ड सोसाइटी है, हमारे तमाम एरियाज़ में फियर है, चाहे वो हल्का हो सटल हो, मगर वो फियर हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करती है। अच्छा, एक कॉलर वेट कर रहे हैं, बट वेरी क्विकली आज़ाद, हमारे यहाँ जो एक माइंडसेट लोगों को रिस्क लेने से रोकता है, दैट इज़ लोग क्या कहेंगे, कि अगर मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की तो हो सकता है लोगों की जजमेंट आएगी। मिसाल के तौर पे आपका जैसे चाय कौन का आइडिया है, मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो ये रियलाइज़ करते हैं कि यार पाकिस्तान में चाय का, टी स्टॉल्स का, ढाबे का कल्चर है, लेकिन अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे किसी लॉयर का, किसी डॉक्टर का बेटा है, उसको ये फियर होता है कि यार अगर मैंने ये आइडिया सजेस्ट भी किया तो लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, या जैसे आज से 10 साल पहले लोग अगर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते थे, लोग क्या कहेंगे, तो दर्जी बन गया है। तो जो हमारी जजमेंट है ना, वो कितने ख्वाबों को चिकना चूर कर देती है। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? लोग बेसिकली इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं चाय का ढाबा खोलने जा रहा हूँ, यू आर ओपनिंग अ कैफे। अगर आप कहेंगे जी मैं दर्जी का काम करने जा रहा हूँ, नहीं मैं तो क्या कहते हैं टेलर्स सूट्स का या किसी खास चीज का बनने करने जा रहा हूँ, शूज लेदर कस्टम बनाने जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट उनकी जो वो है ना नाक, उसको मैं जरा कटने नहीं, से बचा देता हूं। तनकीद करने वाले होंगे, दे गोइंग टू कट थ्रू दैट, बल्कि इनफैक्ट हमारे तो बेचारे डिजाइनर अगर पढ़ के आता है और अच्छा काम भी कर रहा है तो उसको भी लोग दर्जी दर्जी कह रहे होते हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि इस माइंडसेट से लड़ने के लिए अपने आसाब को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए?
बस आप कर दें, अदरवाइज आपको वही नतीजा मिलेगा जो बाकियों को मिल रहा है, यू विल स्टे पोर, आप कहीं आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये फैसला करना पड़ता है कि इट डजंट मैटर, ठीक है, मेरी इज्जत कहीं और पड़ी है, नॉट वेयर दे थिंक। और आपने कई दफ़ा लोगों को देखा होगा ज़ैनब के उनके अच्छा भला अगर कोई नौकरी है उनकी, अच्छे डायरेक्टर लेवल पे हैं और उनके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, तो अक्सर लोग उनको डिस्करेज करते हैं कि यार यहाँ पे देखो तुम्हारी अच्छी बड़ी एक कंफर्टेबल लाइफ है, तुम्हें अच्छे पैसे बन रहे हैं, यू डोंट नीड टू टेक दैट रिस्क, बट मैनी पीपल हैव डन दैट। और मेरे ख्याल में ये बड़ी कमेंडेबल बात होती है। कॉलर से बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल अभी थोड़ी देर में हमारे पास ट्रांसफ़र होगी। अक्सर आप क्या कहेंगी, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट, कि क्या लोगों को अपने कॉर्पोरेट करियर्स छोड़ के अगर कोई बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है एंड अ काइंड ऑफ आइडिया जिसमें वो बहुत बिलीव करते हैं, अपना स्टार्टअप इनिशिएट करने वाला रिस्क लेना चाहिए आज के एनवायरमेंट में? बिल्कुल, मैं 100% इस चीज़ से अग्री करती हूँ कि अपना स्टार्टअप लाजमी स्टार्ट करना चाहिए। बात अगर जस्ट इन्वेस्टमेंट की हद तक है, अगर हम एक इन्वेस्टमेंट वाले फैक्टर को निकाल भी दें, तो मेरा ख्याल है हम में से हर दूसरा बंदा इतना क्रिएटिव है या उसके पास इतना माइंडसेट है, इतने उसके पास आइडियाज़ हैं कि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। लेकिन अगेन बात यहाँ पर आके इसलिए डिस्करेज हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे माइंड में है कि मैं अपनी HR की खुद की कंपनी स्टार्ट करूँ, मेरे पास मल्टीपल आइडियाज़ हैं, मेरे पास 9 to 5 की टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, तो मेरा ख्याल है मैं भी काफ़ी अच्छा उसमें प्ले कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ इस तरह के लोग चाहिए जो कि हमें इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट करें। गवर्नमेंट के एंड से हमें इन्वेस्टमेंट्स प्लान इस तरह के मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है इसी तरह आइडियाज़ की बेस पर ही लोग अपना अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो फर्दर लोगों के लिए बहुत इंकरेजमेंट होगी कि वो इस फील्ड में आ सकते हैं और अपने आइडियाज़। अच्छा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमें कई गेट कीपर्स भी मिलते हैं, जो अगर आपके पास कोई सक्सेस फॉर्मूला हो ना, वैसे तो हम कहते हैं यार इल्म को दूसरों से शेयर करो, दूसरों को गाइड करो, लेकिन रिस्क ये भी होता है कि आप जिनको समझ रहे हैं कि ये आपके हामी हैं, ये आपके सपोर्टर्स हैं, वही आप तक रियल इन्फॉर्मेशन ना लेके आएँ या ओवर सिंप्लीफाई करें चीज़ों को। आज़ाद, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप चाय कौन स्टार्ट करना चाहें और आपको आपको पता है कि मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छी चाय बना सकते हैं, उनके पास ये स्किल ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो आप तक अपना जो सीक्रेट ऑफ द ट्रेड है वो शेयर ही ना करना चाहें, आपको ये बताना ही ना चाहें कि यार पत्ती, चीनी, दूध, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो फिर एक इंसान आगे कैसे बढ़े? सिस्टर, मैं अगर 2 कदम पीछे जाऊं, जो आपने अक्सर से सवाल पूछा था, उसमें मेरा हमेशा मशवरा ये होता है कि जॉब कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, सेफ्टी है ना उसमें। हाँ। एक सिस्टम एक चल रहा है, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। व्हाइल यू डूइंग दैट, स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट जो है एज अ साइड हासिल, शाम को करें, वीकेंड्स पे करें, एंड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। फिर आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। फिर तीसरी चीज़ आ गई कि वो जी आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, वो रेसिपीज कहाँ से मिलेंगी। वही जो आप छोटा शुरू करेंगे या छोटा शुरू करेंगे ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, वो आपको सिखाता जाएगा। एंड बियॉन्ड दैट, यूट्यूब, नेटवर्किंग एक्सपीरियंस जो है ना, उसका कोई नेमो बदल नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक आपने बड़ी अच्छी यहाँ पे जिक्र किया है नेटवर्किंग के हवाले से। सबसे बड़ा रिस्क लोगों को यही लगता है कि अपना आइडिया किसी से शेयर करना या किसी नए इंसान से मिलना। आप ये देखें कि कितने लोग साइलोज में रहते हैं या उनको अपने काम की एक्सपर्टीज पता होती है ज़ैनब, बट इफ़ यू पुट देम इन अ नेटवर्किंग इवेंट, दे आर अनएबल टू पिच देयर आइडियाज़, जो कि एक स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे आर अनएबल टू पिच देमसेल्व्स एंड स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस। ये रिस्क ओवरकम करने के लिए कोई मशवरा दें? पहले तो प्लानिंग, आप जितनी आपने प्लानिंग की हुई अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना, उतनी आपकी कॉन्फिडेंस वैसी आ जाती है। आपको समझ में आता है कि आपने रिस्क असेसमेंट्स भी किए, आपके सारे सवाल के जवाब आपके पास रेडी होता है। मसला ये होता है कि आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के पास गए और उन्होंने एक ऐसे कोई टेढ़ी सवाल पूछ लिया ना, एंड यू डोंट हैव एन आंसर, तो ऑब्वियसली सब इसी चीज़ से तो डरते हैं। अब वो वापस अगेन सब कुछ घूम घुमा के वापस आती है अगेन फियर पे। तो फियर को अगर आप एक्चुअली टारगेट करें कि ये अपने जो इश्यूज़ है कि लोग क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड करें कि आपका अपना जर्नी अपना है, वो किसी और ने आपका जर्नी लेना नहीं है, आपने ही खुद करना है, और आपने जो कदम लेने, किसी ने आपका हाथ पकड़ना नहीं है, ये आपने खुद लेना है। यानी एक सर्टेन लेवल तक लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक आपकी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, आपके पास टीम वर्क भी होना चाहिए, आपको टीम से साथ लेके चलने का साहस भी होना चाहिए। कई दफ़ा मैंने स्टार्टअप फाउंडर्स को देखा है, वो बहुत तन्हा रह जाते हैं, उनका आइडिया बहुत ज़बरदस्त होता है, मार्केटेबल होता है, स्केलेबल होता है, लेकिन वो अच्छी टीम बना नहीं पाते और टीम को मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये भी एक बड़ा अहम गुर होगा। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे?
कि मेरे ख्याल से ना इंसान को जिंदगी में रिस्क जरूर लेने चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ही बढ़िया। सही। और अगर सच पूछे तो मेरे ख्याल से जिंदगी का तमाम ही रिस्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी एक वो जो फॉर्मूला हम अक्सर सुनते हैं ना, हाई रिस्क हाई गेन, जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा गेन है। लेकिन इसके साथ साथ जितनी मैनेजमेंट की किताबें हैं, जितना विजडम एंड नॉलेज है, वो बेसिकली आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की भी बात करता है। यानी ये रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आँखें बंद करके किसी चीज़ में कूद जाना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में पहले यू नो नॉलेज गेन करना, मार्केट के थोड़ी सी इंसाइट्स लेना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये भी आपके एक अच्छे स्टार्टअप या एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होने की निशानी होगा। जो हमारा स्टार्टअप कल्चर है जिसमें आप रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ यंग पीपल गेट अट्रैक्टेड टू अ वेरी ग्लैमराइज्ड वर्जन ऑफ इट। और हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी आइडिया को बिल्ड करते हैं, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो, कोई दुनिया बदलने वाला आइडिया हो, इतना रेवोल्यूशनरी हो, यू हैव टू हैव पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन दैट इनिशियल जर्मिनेशन स्टेज, कि जब वो आइडिया जर्मिनेट कर रहा था, जब आप आइडिएट कर रहे थे कि अच्छा यार ये मसला है, इस मसले को हल करने का एक आइडिया है, चलो आओ इसको मिलकर बनाते हैं, तो वहाँ तक कहानी सही होती है। लेकिन कई दफ़ा देखने में ये आया है कि जब आपकी कहानी में कुछ दम करंट हमें लगने लगता है और कोई इन्वेस्टर आकर उस पर पैसे डालता है, तो यकायक उसको डिलीवर और उसको बड़ा करने के बजाय आप अपने आइडिया से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप ज़ाहिरी चीज़ों में फंस जाते हैं कि आपका ऑफिस कैसा होगा, आपकी तनख्वाह कैसी होगी, एक एंटरप्रेन्योर को किन किन जगह दिखना चाहिए, कहाँ पर लंच करना चाहिए, किन लोगों के साथ हैंग करना चाहिए। आज़ाद, वाई डू वी गेट कॉट इन दीज सुपरफिशियल थिंग्स? बिजनेस के हीरोज नहीं हुए। हाँ। हमने बिजनेस करना किताबों से सीखा, करके नहीं सीखा। तो मैं भी जब दिखा रहा होता कि मैंने ओवरऑल पहना हुआ है और अभी भी मैं इवेंट कर रहा हूँ, आई एम हैंड्स ऑन, और हम रात के 5 बजे तक भी नक्शा बना रहे थे, ओनली रीजन वी वेंट टू बेड इज़ कि हमें यहाँ पे आना था। मुझे ओ ये देखो ये हाथ से कर रहा है, इसके तो आगे 10 मुलाजिम होने चाहिए। समटाइम्स दोस्त आप ही थे, यू आर द पर्सन जिसका विजन है, आप ही को पता, द आइडिया इज इन योर हेड, और ये किसी और के जहन में हम टेलीपैथिकली डाल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जहन के एक सीईओ को ऐसे दिखना चाहिए, एक अमीर बंदे को ऐसे दिखना चाहिए, उसका बैग इस ब्रांड का होना चाहिए, उसकी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, उसका ऑफिस इतना कॉर्नर फेसिंग होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये वो आइडियाज है जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी हम अपने आइडिया को ग्रो नहीं कर रहे, हम एक सर्टन लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट कमिंग बैक टू व्हाट वी वर सेइंग, अच्छा जी अगर तो कोई सुनने वाला ऐसा है जो वाकई पैशनेट है अपने बिजनेस के बारे में, सर हम उनको क्या कहोगी? व्हाट आर द पिलर्स दैट कैन टर्न अ आइडिया इनटू अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड गिव यू अ रोड मैप टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स इट? एक्चुअली ये एक बहुत तीन मेन पिलर्स है स्टार्टअप्स के लिए, उसको DLA बोल सकते हैं। एंड सबसे पहले D, डायरेक्शन, आपका विजन क्या है, आपका एंड गोल क्या है। अगर आपका एंड गोल के बगैर आप चलेंगे तो फिर आप बस चलते रहेंगे, आपको एक प्रॉपर तरीके से एक रुख नहीं बनेगा। सही। दूसरा है लीडरशिप, कि आप किन लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं। कई दफ़ा जो गलती करते थे, एंड पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन गलती है, कि आप अपने दोस्तों को ऑन बोर्ड लेकर आते हैं। आपने केपेबल लोगों को ऑन मेरिट रखना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रो करेंगे। और तीसरी वहाँ पे अपने बायसेस को भी आपको पार्क करना पड़ेगा ना। ओह यार दैट्स अ वेरी टफ वन। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे आखिर में जो ए है ना, एडवाइजरी, आप एडवाइस लेकर चलें, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी आप बहुत लोगों को कहती हूँ कि ये देखिए एडवाइस कहाँ से आ रही है, वो कितने सक्सेसफुल हो, कितने एक्सपीरियंस हो, कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो एक बायस्ड इंसान है तो वो आपको बायस्ड इन्फॉर्मेशन और एडवाइस देगा। तो आपने अपनी क्लीन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीवन। अच्छा एक और चीज़ मुझे लगता है कि बिलीविंग इन योर आइडिया, देखिए सबसे पहले तो आपका फेथ, आपका बिलीफ होना चाहिए, एंड यू हैव टू स्टिक टू योर गन्स। लेकिन इसका भी कई लोग एक नेगेटिव मतलब ले लेते हैं। आपके पास आना चाहूँगी अक्सा, सम पीपल आर सो स्टॉन्च एंड सो पोजिशनल इन देयर आइडिया कि वो उसमें कोई लचक नहीं दिखाते, उनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। उनको एक आइडिया पसंद है, उनके जहन में उस मंजिल तक पहुँचने का एक रास्ता है, जैसे इन्होंने कहा कि एक डायरेक्शन सेट करना अच्छी बात है, बट बींग मैरिड टू दैट डायरेक्शन, कि इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं हो सकता इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का, ये भी आपकी राह का खुद ही हर्डल बनती है। इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल इसी तरह कि अगर आपके पास कोई आइडिया है और अगर आपके पास आपकी टीम है,
तो मेरा ख्याल है सबका उसमें सजेशन लेना या सबकी रिकमेंडेशन इसमें लेना, क्या पता आपके आइडिया को किसी और तरफ मोल्ड करने में हेल्प आउट करे। अगर आप अपने ही आइडिया पे रिजिड हैं कि नहीं मैंने जो कह दिया वही सही है, तो मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स उसमें हर्डल्स आएंगी। और अगर आप अपनी टीम के साथ या अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसको शेयर करके, डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आइडिया मज़ीद सक्सेसफुल हो सकता है। Absolutely. या उसमें कुछ इस तरह का आपको कोई फीचर मिल सकता है कि वो आपको आइडिया भी ना हो कि वो क्यों इतना सक्सेसफुल। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक बिकॉज दिस इज ऑल द टाइम वी हैव, आज़ाद, लास्ट क्विक क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज़ द नंबर वन क्वालिटी ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट एंटरप्रेन्योर जो आप समझते हैं कि हर एक में होनी चाहिए और ये आपकी कामयाबी की बन सकती है? वही, नाक नहीं कटती, बी रेडी टू स्टार्ट स्मॉल, बी रेडी टू गेट योर हैंड्स डर्टी। एंड जो सिस्टर ने अभी कहा है कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ हमारे पास, आपके पास ना मिनिमम चार बंदों की काउंसल होनी चाहिए जिनसे आप मशवरा लेते हैं। एंड दोज आर नॉट रिश्तेदार, दोज आर नॉट ऐसे बंदे, वो और हमेशा ऐसे होने चाहिए जो चारों आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा आपसे सक्सेसफुल हैं, और उनकी बात पे आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो। दे आर नॉट गोइंग टू बी द पीपल जो आपकी सब बातों में हाँ मिलाएंगे। इन फैक्ट दे आर गोइंग टू चैलेंज यू, एंड दैट चैलेंज इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन योर ग्रोथ। बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा, आज़ाद और ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बट प्लीज़ डू लेट मी नो कि आज के इस प्रोग्राम की, इस कॉन्वर्जेशन की सबसे अच्छी टिप आपको क्या लगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।